हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो दोस्तों, मैं आया हूँ एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है प्योर गोल्ड चीज फैक्ट्री। यहाँ पे आपको अलग तरीके के चीज जो है वो देखने मिल सकते हैं और वो आपको टेस्ट भी कराते हैं। तो मैं यहाँ से बहुत सारा चीज परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो दोस्तों, यह है चीज़ फैक्ट्री, एक और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन महाबलेश्वर का। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे चीज़ को टेस्ट करने दिया जाता है, तो ये फ्री सैंपल और काउंटर जो है लेफ्ट साइड के अंदर है। तरीके के चीज मिलते हैं यहाँ, स्मोक चेडर स्प्रेड और इंडियन समर स्प्रेड। ये सभी अलग अलग फ्लेवर की चीजें, आप इसको टेस्ट करके फिर उसके बाद में परचेज कर सकते हैं। और ये है देसी घी। ये है गार्लिक एंड हर्ब्स चीज़, और इसका जो MRP है वो है 215 रुपये। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ चीज़ को टेस्ट करने के लिए, और देखता हूँ कि कौन सा फ्लेवर मुझे पसंद आता है, उस हिसाब से मैं वो फ्लेवर ख़रीदूँगा। कैन आई टेस्ट दिस गार्लिक एंड हर्ब्स? तीनों एकदम बढ़िया है। तो आई गेस मैं गार्लिक एंड इंडियन समर या पेपर जैक में से एक फाइनलाइज करूंगा। चलो देखते हैं कौन सा आई फाइनली बाय। तो भाई, ये सब मैंने ले लिया है, खाली मेरे लिए नहीं, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो उधर जाऊंगा वापस तो सबको दूंगा, एक एक फ्लेवर, दो दो फ्लेवर सबके उठा लिए हैं। जो भी तीन फ्लेवर मुझे पसंद आए थे, गार्लिक एंड हर्ब्स, इंडियन समर और पेपर जैक, ये तीनों के तीनों जो है एकदम जो है जिनका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है। तो आई एम गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दिस। तो अभी पैकिंग हो रही है सबकी, और कार्टन ले लिया है ताकि गाड़ी के अंदर टिका रहे जब तक मुंबई नहीं पहुंचते। तो गाइस, चीज़ तो मैंने ले ली, लेकिन चीज़ फैक्ट्री में चीज़ के अलावा और एक चीज़ है जो एकदम स्टनिंग है, और वो है ये जो है एंटीक गाड़ी, जो आपको आज कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने देखा होगा मूवीज लाइक गदर एंड ये सब में, तो आपको ऐसी गाड़ियां जो है दिखी होंगी, मगर ये रॉयल गाड़ी है एकदम। आप देख सकते हैं, ये राजस्थानी रजिस्ट्रेशन है RJ49 की। तो दोस्तों, ये है चीज़ फैक्ट्री का रिटेल स्टोर, और इसके पीछे ही जो है इनका जो है प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे ये सारी चीज़ जो है मैन्युफैक्चर होती है। ये चीज़ यहीं बनती है महाबलेश्वर में, और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए लोग जब भी महाबलेश्वर आते हैं, ये जगह पे आके चीज़ ज़रूर ख़रीदते हैं। और आपने तो देखा ही है कि मैंने कितनी सारी चीज़ की बॉटल्स जो है ली। तो इसका जो MRP है वो है 215, लेकिन ये आपको 190 के अंदर मिलता है यहाँ पे डिस्काउंट मार के। तो दोस्तों, ये था चीज़ फैक्ट्री का टूर। अभी मैं जा रहा हूँ मैप्रो गार्डन, ताकि थोड़ा सा एक लाइट स्नैक हो जाए। लंच टाइम तो चला गया है, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़े से सैंडविचेज या पिज़्ज़ाज जो हैं मैप्रो गार्डन के, बोरा नाम सुना है उनका, वो ट्राई कर लूँ। तो आ गया मैप्रो गार्डन।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर के लिए मैप्रो गार्डन के रेस्टोरेंट में। तो बेसिकली मैप्रो तो आपको पता ही है कि जो सिरप्स में है बहुत फेमस है, तो ये पूरा का पूरा गार्डन में उनका जो रिटेल स्टोर है वो है प्लस रेस्टोरेंट है। तो मैं यहाँ पे जो है बहुत सुना था कि भाई यहाँ पे जो सैंडविचेस और पिज़्ज़ाज हैं वो जो है एकदम डिलीशियस होते हैं, तो मैं यहाँ पे भी ट्राई करने आया हूँ। लोग ऐसे अनाउंस करते हैं तो मैं यहाँ पे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है मैंने, और उसके साथ में मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, वो है केसर मिल्क, हॉट केसर मिल्क। ये जो है एकदम अलग टेस्ट है इसका। एंड अगर आपको मिल्क यहाँ फ्लेवर्ड मिल्क पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी गुड। स्ट्रॉबेरी शेक तो मैंने दो तीन जगह पे पी लिया था, तो मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी शेक और वो थोड़ा ठंडा होता है, तो मौसम भी इतना ठंडा है तो मैंने सोचा कि कुछ गर्म मंगाया था। ये मैं खाऊंगा और उसके बाद में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों पिज़्ज़ा जो था एकदम टेस्टी था, डिलीशियस था, और जो केसर मिल्क था वो भी, उसकी भी बात कुछ अलग ही थी। तो ये तो हुआ मेरा मैप्रो गार्डन का जो विज़िट था। तो बाकी इनके यहाँ रिटेल स्टोर है जहाँ पे मैप्रो के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारे मैप्रो के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो टूरिस्ट जो है यहाँ पे इसके लिए आना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स और थोड़े यूनिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो सिटी के अंदर मुंबई सिटी में मैप्रो की उतनी रेंज मिलती नहीं है जितनी यहाँ मिलती है। तो गाइस होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।